Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ. फर्स्टली आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कल से हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक शो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा बैंकिंग एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का मीन्स यहाँ पे फुल फॉर्म से है, और हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए. पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर में जितने भी एब्रीविएशन से क्वेश्चन आए आपको, हम वो दिखाएंगे. और फिर इस बार हम दिखाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एब्रीविएशन जो एग्जाम में आ सकते हैं. अगर आप पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आपने दिया है या देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एब्रीविएशन से कितने क्वेश्चन आते हैं. तो एब्रीविएशन से कम दो से तीन क्वेश्चन तो आने ही आने हैं. और आप मेरा वीडियो देखिए, मैं आपसे आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा. और इस वीडियो को देखना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करना. देखो यार, करंट अफेयर्स की बात करें, बैंकिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीएस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, कुछ बात करें, याद बहुत करना होता है. और आपके जो एग्जाम्स होते हैं, होता क्या है कि पहले आप प्री की प्रिपरेशन करते हो, फिर आप मेंस पे जाते हो. तो दोस्तों, होता यह है ना कि जब हमारे प्री क्वालिफाई हो जाते हैं और मेंस का टाइम आता है, तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हम चीजों को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं. तो मेरी बात मानिए, थोड़ा थोड़ा टाइम डेली दीजिए. डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको चीजें लर्न भी रहेंगी और एग्जाम के टाइम पर आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा. तो ये मेरा एक एडवाइस है. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जनरल अवेयरनेस पर फोकस किया और सिलेक्शन ले लिया है. बहुत सारे बच्चे हैं, साहिबा दत्ता मेरी एक स्टूडेंट है, हिमांशु सक्सेना है, तो इन लोगों ने जनरल अवेयरनेस में कमांड रखा था अपना शुरू से ही. ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दे आर अचीवर. उन्होंने अचीव किया है और आप भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ, हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है या हम किस सेक्शन को फोकस करें जहां से हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. एब्रीविएशन का चैप्टर आ रहा है, छोड़ना मत, कल आएगा चैप्टर. और पूरे एब्रीविएशन जितने फुल फॉर्म्स होते हैं या उनकी मीनिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा. तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, इसे देख लेना और इसे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लेना. हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो पर. और आज है 18th मई, और 18th मई में क्या क्या करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं वो हम देखने जा रहे हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है. तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब जो भी हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है. और यहाँ पर बात क्या हो रही है, जरा ध्यान से समझना. देखो, बैंकों में कैपिटल कहाँ से आती है? आप जो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक वो रखता है और बैंक इसी कैपिटल को लोन बांटता है. अब जैसे नीरव मोदी ने क्या किया, पैसा लेकर ये भाग गए, या विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए. अब भाई, बैंक ने आपका पैसा उठाकर लोन बांटा, लेकिन जिसने लोन लिया वो लोन लेकर चला गया, तो क्या आपका पैसा आपको मिलेगा? तो ये क्या है? ये रिस्क होता है. कई तरह के रिस्क होते हैं. क्रेडिट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है. तो अगर बैंक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो बैंक क्या हो जाएंगे? करप्ट हो जाएंगे. और इसका एग्जांपल 2008 में हम अमेरिका की मंदी में देख चुके हैं. ठीक है, तो एक पूरे वर्ल्ड में एक बॉडी है जिसका नाम बेसल कमेटी. और बेसल कमेटी क्या करती है, ये बैंकों को गाइडलाइंस देती है कि आप कैसे वर्क करें ताकि आप बैंक करप्ट ना हो. और बेसल कमेटी का मेन फोकस होता है फंड पर, कि आपके पास इतना पर्याप्त अमाउंट में कैपिटल होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी रिस्क आए तो आप उसे आराम से बियर कर सकें. अब मैं ये इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ जाओगे. क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहां पर. ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज है. तो यहां पे आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट. ठीक है, देखो, न्यू नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो. यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या है, NSFR. अब ध्यान से मेरी बात समझना, आपके एग्जाम में एब्रीविएशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो NSFR का फुल फॉर्म पहले तो लर्न कर लो. ठीक है, न्यू नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो गाइडलाइंस विल इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि न्यू स्टेबल फंडिंग रेशियो गाइडलाइंस है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दिया है टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल. मतलब कि जो प्रोफाइल फंडिंग की है वो स्टेबल होनी चाहिए. ध्यान सुनना, पहला पॉइंट ये है, द गाइडलाइंस ऑन NSFR आर इन द लाइन विथ ग्लोबल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाई द बेसल कमेटी. जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो वाली बात आई है, ये बेसल कमेटी ने क्या दिया है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है. ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसल कमेटी की बातों को इंडिया में इंप्लीमेंट कराता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, NSFR would be applicable for Indian banks at the solo as well as consolidated level. मतलब जो ये NSFR है, ये बैंकों को अपना तो मेंटेन करना पड़ेगा और जितने बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं इनको मिलकर भी एक निश्चित फंड मेंटेन करना पड़ेगा. तो मेन बात हो रही है न्यू नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो की. अब ध्यान सुनना, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ. ठीक है, देखो,
तो इसमें आप देखो ऑप्शन जो है थ्री, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर, वन टू एंड थ्री, ये बिल्कुल सही आंसर है. ऑप्शन फोर, वन टू एंड थ्री, मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है. अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है थोड़ा ट्रिकी है समझना. बेसल कमेटी है जिसने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला है कि आपके बैंकों को नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मेंटेन करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों को गाइडलाइंस दे दी है कि आपको अपना अपना नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जितने बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, जितने बैंक्स हैं, जितना फाइनेंशियल सिस्टम है, इन सबको भी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मेंटेन करना होगा. तो आज की जो क्वेश्चन ये पहला था ये केवल नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो पर बेस्ड था. ये एक फंड होगा, मतलब बैंकों को ऐसा स्टेबल फंड ढूंढना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में बिना रिस्क के वो काम कर सकें. तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा. तीनों स्टेटमेंट सही है, आपको केवल नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो पर ध्यान देना है. और एब्रीविएशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मीटिंग पर बेस्ड है. मीटिंग हो या समिट हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमेशा जरूरी होते हैं. क्वेश्चन क्या है और देखते हैं एक बार, ठीक है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड एट, मतलब शंघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी ये आपको बताना है. देखो होगी चाइना में, लेकिन चाइना के किस शहर में होगी ये आपको बताना है, ठीक है. यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है सान्या. सान्या चाइना. तो सान्या एक शहर है चाइना में जहां पर ये मीटिंग होने वाली है. और इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो इस मीटिंग को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्टर ऑफ कल्चर, इनका नाम क्या है, डॉक्टर महेश शर्मा. डॉक्टर महेश शर्मा इस यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. ये पहला मौका होगा जब इंडिया ऐसे मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. एक बच्चे का फीडबैक मेरे पास आया था कि सर आप प्रीवियस जो वीडियोस आ चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछिए. तो मेरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2018 कहां पर होगी, मुझे आंसर करना. ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं, ठीक है. इसको करना, मैं चेक करूंगा प्रॉपर, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है अवार्ड और विनर पे. देखो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको एक ही दिन में हम वेरियस एस्पेक्ट के क्वेश्चंस आपको दे पाए, ठीक है. और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको फीडबैक भी देना है और कमेंट्स भी देने हैं. अब 7,000-8,000 व्यूज पर कमेंट आते हैं 100, यानी और लोग जो देख रहे हैं या तो उन्हें लर्न नहीं है या तो वो करना नहीं चाह रहे हैं. मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जो वीडियोज़ आते हैं उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसके ड्रॉबैक्स हैं. तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप कमेंट्स नहीं करोगे, तो हमको मालूम नहीं चल पाएगा कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है. देखो हु हैज़ बीन गिवन द श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018, मतलब श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018 किसे दिया गया. आपके सामने पांच ऑप्शन है, और इन पांचों ऑप्शन में सही आंसर क्या होने वाला है ये आप कमेंट करके मुझे बताएं. तो इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फिफ्थ, अनंदिता अनाम. ये विनर हैं, ठीक है. अब ये कौन है ये भी जान लो. ये एक US बेस्ड कथक डांसर है, US बेस्ड कथक डांसर है, जिन्हें इस बार का श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार दिया गया है. आपका पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे लर्न कर लेना अवार्ड एंड प्राइज में. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कैसे हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. हमें इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स का मतलब एक हमें रजिस्टर खरीदना है जहां पर पहले पेज पर हमें इंडेक्सेस बनाने हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स एंड प्राइज हो गया, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए. तो जैसे मान लो आपने पहले से लेके पाँच पेज तक आपने अपॉइंटमेंट क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर मेरे वीडियो में कोई आपको अपॉइंटमेंट का पॉइंट मिलता है तो आप उसे देखो, यूट्यूब के बटन को पॉज करो और सीधे आप अपने रजिस्टर पर जाओ और वहां पर जाकर नोट कर लो. तो इससे क्या होगा, प्रॉपर आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है. तो यहां पर अवार्ड की बात हो रही है. अब जहां पर भी आपने अवार्ड का एक इंडेक्स बनाया है कि लिखे, ठीक है, 10 से लेके 15 पेज तक हम केवल अवार्ड लिखेंगे, वहां पे जाकर इस पॉइंट को लिख लो और आराम से रिवीजन करते रहना, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट. अर्लियर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे कि हमको मिलेगा तो हम जाकर अपने नोट्स में इसे एड ऑन कर लेंगे. तो अपॉइंटमेंट पर क्या क्वेश्चन है और देखते हैं यहां पर, ठीक है. देखो हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मीन्स NHAI. क्वेश्चन ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का. यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको आंसर बताना है, और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है युद्धवीर सिंह मलिक. युद्धवीर सिंह मलिक,
ये आपको लर्न कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन में है एडिशनल चार्ज, यानी कि युद्धवीर सिंह मलिक जो है इनके पास कोई और चार्ज भी है। जी हाँ बिल्कुल, इनके पास एक चार्ज और भी है। ये सेक्रेटरी हैं कहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे शिपिंग एंड हाईवेज, ठीक है। ये इसमें सेक्रेटरी भी हैं और इनको एडिशनल चार्ज दिया भी गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर दीपक कुमार, ठीक है। तो लर्न कैसे करें, देखो हाईवे की बात हो रही है, अब हाईवे की बात हो रही है तो जैसे जब कोई आर्मी लड़ने जाती है तो वो रोड से जाती है, आर्मी लड़ने जा रही है, आर्मी युद्ध करने जा रही है, कहाँ से जा रही है, हाईवे से जा रही है, युद्ध हाईवे, युद्ध हाई मतलब युद्धवीर सिंह NHAI के चेयरमैन बने हैं। इस तरह से कहानी बना के लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है डे पर। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि डे वाला कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हालांकि इस बार मैंने डे पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि आप क्वेश्चन को देख के बातें आराम से पूरी तरह लर्न कर लेना। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। देखो, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इनॉग्यूरेटेड, मतलब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था। फिलहाल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट होता है, किस दिन, और इस बार की थीम क्या थी, जो 2018 में मनाया जाएगा उसकी थीम क्या थी, और ऐसे क्वेश्चन की ये किस साल शुरू हुआ था, किस वर्ष में शुरू हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो आपको दो बातें लर्न करनी है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। मैंने अभी सेकंड स्लाइड खोली नहीं है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। और जो जिन बच्चों को नहीं पता है तो सेकंड स्लाइड जो आ रही है हमारी उसको देखिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है उस पर जो क्वेश्चन था जो उस पर उसका आंसर मैंने आपको जानबूझ के दिया नहीं था। अब इस स्लाइड पर आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, थोड़ा आराम से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है ये 17 मई को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ, ये 2005 से मनाना शुरू हुआ, यानी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, 2005 से ही मनाना शुरू हुआ है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है, ये देखो, थीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले एक दो साल के एग्जाम में आपसे थीम पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है नो योर नंबर्स, नो योर नंबर्स, इसे लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सपो, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। An International Rail Coach Expo 2018 is being held for the first time in which city? मतलब किस शहर में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2018 का आयोजन किया जा रहा है, आपको आंसर बताने हैं। ऑप्शंस मुंबई, पेराम्बूर, वाराणसी, चेन्नई और कोलकाता है। तो यहाँ पे पांच ऑप्शन में जो सही आंसर है उसका ऑप्शन है फोर्थ, चेन्नई। तो चेन्नई हमारा सही आंसर है और ये ऐसा पहली बार, इस टाइप का एक्सपो इंडिया में पहली बार होने जा रहा है और ये 17 मई to 19 मई चेन्नई में होगा, ठीक है। 17 to 19 मई एग्जैक्टली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और इस एक्सपो के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में अपने मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट भी करना चाहती है, ठीक है। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इंडिया ने रेलवे कोचेस को या मेट्रो कोचेस बनाने में काफ़ी उपलब्धि हासिल की हुई है। प्रॉडली मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया ने मेट्रो कोचेस बनाकर इसे ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किया, तो यानी कि मेक इन इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा है। और ये एक्सपो लगाने का मतलब यही है कि मेक इन इंडिया के तहत जो इंडिया में रेलवे कोचेस बनेंगे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, चेन्नई आपको याद रखना है। रेलवे कोच एक्सपो कहाँ पे लगा, चेन्नई में लगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जब भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे कोई न्यूज़ आई है, कुछ इवेंट आए हैं, कुछ करंट अफेयर्स का पॉइंट आया है, ये हमेशा आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले हम ध्यान से सुनते हैं इसे, ठीक है। देखो, वेयर विल बी अ फ्रेट विलेज बी सेटअप अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत
फ्रेट विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब यहाँ पर फ्रेट विलेज का मतलब क्या है, इसे मैं इजीली एक्सप्लेन तब कर पाऊंगा जब हमें आंसर पता होंगे। पांच ऑप्शन हमको दिख रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो पांचवा ऑप्शन है नंगल चौधरी हरियाणा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हरियाणा में एक कस्बा है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नंगल चौधरी, यहाँ पर फ्रेट विलेज बनाया जाएगा। अब ये फ्रेट विलेज का मतलब क्या है, देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ की जो भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी है वो सब एक कॉरिडोर के थ्रू यहाँ से वहाँ सप्लाई की जाएंगे। तो जो ये नंगल चौधरी है यहाँ पर फ्रेट विलेज बनाया जाएगा जहाँ पर कार्गोस बनेंगे भी, कार्गोस यहाँ पर रीलोडेड भी होंगे, यहाँ पर जो भी सामान है यहाँ पर स्टोर भी किया जाएगा। तो फ्रेट कॉरिडोर की वजह से क्या होगा, कार्गोस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे हम ख़त्म करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल या SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाता है, कैसी भी पेनल्टी लगाता है, वो हमेशा एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेनल्टीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर पेनल्टीज़ लगाई हैं। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, ऑन विच बैंक हैज़ RBI इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000 फॉर वायलेटिंग लोन गाइडलाइंस। हिंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंकिंग सिस्टम के लिए, किसी बैंक के लिए लोन देने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए होंगे और इस बैंक ने इस पैरामीटर्स को अवॉइड करते हुए लोन बांटा होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है। यहाँ पर पाँच ऑप्शन हमको दिख रहे हैं और इन पाँचों ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन हमारा है यूनिवर्सल कोऑपरेटिव बैंक, वो बिल्कुल सही आंसर है। यूनिवर्सल कोऑपरेटिव बैंक आपको लर्न कर लेना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी लगाई है और पेनल्टी कितने की है, ये देख लो, पेनल्टी जो है ये ₹50,000 की है, मात्र ₹50,000। अमाउंट कम से कुछ नहीं होता, अगर पेनल्टी है तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर हम आठवां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ टनल ऑन विच पास ऑन 19th May 2018। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19th May 2018 को किस सुरंग की आधारशिला रखेंगे, आपको आंसर देना है। और यहाँ पर पांच ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है जोजीला, जोजीला पास कह लो या जोजीला सुरंग कह लो। एग्जैक्टली में लद्दाख में पाकिस्तान और चाइना के जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसे रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक जोजीला सुरंग, एक टनल बना रहे हैं ताकि इंडिया की सीधी पहुंच यहां तक हो जाए। अच्छा, जो ये जोजीला टनल होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये सीधे लद्दाख रीजन में इंटर करने का रास्ता होगा जो कि कारगिल और लेह को सीधा श्रीनगर से जोड़ेगा भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बात हमारे देश की अस्मिता की हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं एक बार। वेयर विल बी द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश आफ्टर इट्स डिविजन फ्रॉम तेलंगाना बी सेटअप। मतलब तेलंगाना से विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपके सामने पांच ऑप्शन दिख रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है अनंतपुर। तो अनंतपुर में क्या है, पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन करेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम आपको बताना है कि हमारे देश के HRD मिनिस्टर कौन हैं, इन्होंने 450 करोड़ रुपये अलॉट भी कर दिए हैं फॉर फर्स्ट फेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी पहले फेज के लिए 450 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है HRD मिनिस्टर हमारे कौन है और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी आपको बताना है। ठीक है,
ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो ये कंप्लीट होता है, ठीक। आप भूलना नहीं, फिर सुन लो, कल हम फिर से एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। टॉपिक हमारा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब फुल फॉर्म। आपके एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखना कितने एब्रीविएशन से क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने पूरा एब्रीविएशन जो है पूरा आपने पढ़ लिया है, तो मेरा जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर से नहीं आएगा, आप आराम से कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी दे देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर नॉलेजेबल लें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, और तब तक के लिए जितना भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया गया उसे लर्न कर लेना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।